इस मॉड्यूल में हम सब फाइलम हेक्जोपोर्स के अंदर एक्टोथर्म और हेट्रोथर्म्स को डिस्कस करेंगे इंसेक्ट के अंदर थर्मोरेगुलेशन हमने डिस्कस किया थर्मोरेगुलेशन क्या प्रोसेस है इस प्रोसेस के अंदर इंसेक्ट्स जो है अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं विद इन सर्टन बाउंड्रीज कुछ इंसेक्ट्स जो हैं दे विल बी नोन एज द एक्टोथर्म्स एक्टोथम्स क्या होंगे एनिमल इन विच देयर हीट सोर्स प्राइमरली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो एंडोथम होंगे एंडोथम क्या होंगे वो जो अपनी हीट को बायोकेमिकली इनसाइड द बॉडी प्रोड्यूस करेंगे और वी कैन से दे कैन प्रोड्यूस हीट इंटरनली बाय द बायोकेमिकल चेंजेस और प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी अब ये एंडोथर्मिक इंसेक्ट्स जो हैं दे आर बेटर डिस्क्राइब्ड एज रिजनल हैट्रोथम्स क्यों क्योंकि दे आर नॉट यूनिफॉर्मली एंडोथम अब इनका बॉडी टेम्परेचर जो एक्वाटिक एंडोथर्म्स भी होंगे और टेरिस्ट्रियल एंडोथर्म्स भी होंगे अब एक्वाटिक एक्टोथर्म्स जो हैं इनका टेम्परेचर जो है दैट विल बी नियर टू द वाटर सोर्स इन विच दे आर लिविंग एक्टोथर्म्स जो हैं दे डू नाट रिक्वायर मच फूड एज एंडोथम्स रिक्वायर ऑफ द सेम साइज बिकॉज दे कैन नाट डील विद द कूल टम्परेचर दैट इज सराउंडिंग द बॉडी ऑफ द एनिमल हैट्रोथर्मी या हेट्रोमीन्स डिफरेंट अब यह हैट्रोथर्मी क्या है जिसमें एनिमल्स जो हैं वो एक मोड से दूसरे मोड में ट्रांसफ़र हो सकते हैं यानी ये एंडोथर्मी से एक्टोथर्मी में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और ये किस वक्त होता है ये नॉर्मली उस वक्त होता है जब स्मॉल बर्ड्स या मैमल्स जिनका मेटाबॉलिक रेट क्वाइट हाई है और वो एनिमल्स जो हैं दे आर आल्सो वेरी एक्टिव उनकी जब एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएँ या उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ uh, हो जाए तो वो उस सूरत में क्या होता है तो वो एनिमल्स जो हैं वो उस वक्त टेम्परेचर डाउन हो जाएगा जब एनिमल्स अपने आप को रेस्टिंग फेज में होंगे या बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होंगे ये जो इनएक्टिव पीरियड्स हैं दिस कैन लास्ट फॉर मैनी डेज और मैनी मंथ्स दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ एंडोथर्म एंड

External environment in which they are living. So, ectotherms or isme endotherms, they can be heterotherms once they transfer the temperature from outer to the inner.